मॉर्निंग स्टूडेंट, आज अपने व्याकरण में चैप्टर फर्स्ट भाषा विचार करेंगे। भाषा जो है विचारों के आदान प्रदान का साधन है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा जो है ये भाषा का वह रूप है जिसके द्वारा भावों और विचारों का आदान प्रदान बोल कर सुनकर किया जाता है। ये भाषा का प्राचीनतम रूप है। मनुष्य जब धरती पर आया था उसी समय से भाषा का यह रूप भी शुरू हो गया था। इसका प्रयोग तब होता है जब सुनने वाले तक हमारी आवाज़ किसी न किसी माध्यम से पहुंच सकती है। मौखिक भाषा जब तक बोली व सुनी जाती है यह तभी तक विद्यमान रहती है, बोलना बंद होते ही यह समाप्त हो जाती है। अब है लिखित भाषा। मनुष्य जो है एक बुद्धिमान प्राणी है, वह जब से इस धरती पर आया है उसने अपने जीवन को आरामदायक बनाने के लिए कई प्रयास किए हैं। इस प्रयास से उसका ज्ञान जो है बढ़ता गया है। वह अपने ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना चाहता है। प्रारंभिक अवस्था में वह मौखिक भाषा द्वारा ही ये कार्य करता रहता है। ज्ञान के बढ़ने के साथ साथ उसे ये याद रखना मुश्किल हो गया। ज्ञान को संभाल कर रखने के लिए, दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उसने लिखित भाषा बनाई है। लिपि। लिपि क्या है कि भाषा में प्रयोग की जाने वाली ध्वनियों को लिखित रूप से देने वाले चिन्हें जो हैं इनको लिपि कहते हैं, जो व्यवस्थित ढंग से लिखने के ढंग को ही लिपि कहा जाता है। अब है बोली। बोली जो है किसी छोटे क्षेत्र में बोली जाती है। इसका प्रयोग मौखिक रूप से ही होता है। मातृभाषा कि जब बालक जन्म लेता है वह परिवार माँ से जो भाषा सीखता है वह उसकी मातृभाषा कहला जाती है। संपर्क भाषा, भारत में हिंदी संपर्क भाषा की तरह प्रयोग में लाई जाती है। संपर्क भाषा वह होती है जिसे किसी देश की अधिकतर जनसंख्या आपसी संपर्क के लिए प्रयोग की जाती है। विश्व की संपर्क भाषा हिंदी है। राजभाषा, जिस भाषा का प्रयोग कार्यालयों तथा सरकारी कामकाज के लिए किया जाता है उस देश की राजभाषा है। हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों ही हमारी राजभाषा है। राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रीय भाषा वह होती है जिसका प्रयोग उस राष्ट्र के अधिकतर निवासी करते हैं। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। यहाँ के लगभग 70% निवासी हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। भारत में हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकार कर सभी निवासी उसका सम्मान करते हैं। मानक भाषा क्या है, जो शिष्ट शिक्षित लोगों द्वारा प्रयुक्त किए जाने विद्वानों द्वारा स्वीकृत रूप से उस भाषा का मानक रूप होता है। अब है व्याकरण। व्याकरण क्या है, भाषा के बोलने तथा लिखने के नियमों का ज्ञान करने वाले शास्त्र को ही हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के भी कितने तीन अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार तथा वाक्य विचार। अब आगे है साहित्य। साहित्य वे हिंदी भाषा का जो साहित्य है बहुत विशाल है। इसे हर विषय पर लिखा जाता है। ज्ञान का वह भंडार हमारे पुस्तकालयों में सुरक्षित है। साहित्य के दो रूप हैं, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। भाषा का वह रूप जो बोलचाल के लिए दैनिक जीवन में प्रयोग किया जाता है गद्य साहित्य कहलाता है। इसमें वाक्य, कर्ता, क्रिया, कर्म के आधार पर लिखे या बोले जाते हैं। इसमें लय, सुर, ताल का अभाव होता है। जैसे गद्य की कौन कौन सी विधाएं आ जाती है, कहानी, नाटक, एकांकी, निबंध, लेख, संस्मरण, उपन्यास, जीवनी, पत्र, व्यंग्य, रिपोर्टार, कथा। पद्य में क्या है, जिसे कि लय और ताल के साथ गाया जाता है। इसमें है दोहा, चौपाई, पद, सवैया, कविता, ये सब है। भारत में जो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है और 14 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। थैंक यू।